जान चुकी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया मीडिया का युग है, इसमें लोगों के पास सारी सूचनाएं हैं, अब छुपाने का किसी के पास कुछ नहीं है। आज जो सत्य है वह सत्य है, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई सत्य है ना कोई तथ्य है, केवल मुंह चलाना और उसको उछाल देना, इससे मुद्दे तय नहीं होते हैं। मुद्दे वो तय होते हैं जिनको जनता स्वयं अनुभव भी करती है। आज देश का 80 करोड़ लोग अनुभव कर रहा है कि उसकी थाली में अन्न कैसे आता है। बीजेपी सरकार की योजनाओं से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, ये बीजेपी की उपलब्धि है, ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के की योजनाओं से केवल अडानी और अंबानी को लाभ हो रहा है, इसके अलावा देश के किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं हो रहा है। ये आंकड़ों का जिस तरीके का खेल खेला करते हैं, निश्चित तौर पर ये बोलने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड में जब आप जाकर के देखेंगे लोगों की स्थिति बस से बदतर हो रही है। 75 लाख लोग जो है नौकरियां छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें केंद्र सरकार का क्या योगदान है? आपने केवल अपने पूंजीपति मित्रों में काम किया है, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया। आपने राधिका खेरा के बारे में प्रश्न खड़ा किया, आपने राधिका खेरा के बारे में जो बातें कही है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। ये राधिका खेरा किसके स्क्रिप्ट पर बात कर रही थी, किसके कहने पर इस तरीके के आरोप लगा रही थी? और ये सब कुछ आपको पार्टी छोड़कर जाने के बाद ही क्यों कहते हैं अजय साहू जी? जब तक वो पार्टी के अंदर थी दायित्व के साथ छत्तीसगढ़ आई थी कि नहीं आई थी? कहीं ना कहीं हमारे मुझे लगता है कि नेगेटिव अप्रोच से बाहर निकलते हैं। थोड़ा हमें बात करनी चाहिए पॉजिटिव साइड की भी। वोटिंग परसेंटेज जो अब तक निकलकर सामने आ रहा है, अजय साहू जी किस तरह से देख रहे हैं आप उसे? कांग्रेस के लिए क्या कहता है ये वोटिंग परसेंटेज? निश्चित तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है वो दिखाता है कि इस देश में परिवर्तन की बयार बह रही है, और जो सरकार सत्तासीन है उसके खिलाफ लोगों ने घर से निकल करके वोट किया है। लोगों को कांग्रेस पार्टी की गारंटी पे भरोसा है, लोगों को राहुल गांधी के दूरदर्शिता पे भरोसा है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही कहा था जिस समय लोग कोविड का टीका लेकर के आए थे और ये उसका महिमा मंडन कर रहे थे, उस समय भी राहुल गांधी जी ने सचेत किया था। और आज आप देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉल फंड के नाम पर चंदा लेने के लिए लोगों की, देश के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से चंदा लिया है। और बीफ का निर्यात करने, गौ माता की सेवा की बात करती है, बीफ निर्यातक लोगों से 250 करोड़ का चंदा लेने में शर्म नहीं आती। गोपाल जी वो तो बोल रहे हैं कि जनता में उत्साह दिख रहा है, वो कांग्रेस के पक्ष में है वो उत्साह, और सरकार को लेकर निराशा है, तभी वोट देने पहुंचती जनता। देखिए ये वही लोग है ना जो कल तक ये कह रहे थे कि मतदान कम इसलिए हुआ कि जनता में उत्साह नहीं है, आज कह रहे हैं उत्साह है। और मैं दोनों चरणों के, पुराने और आज के चरण की बात कर रहा हूं, इसमें कांग्रेस के लिए कोई संभावनाएं नहीं है। छत्तीसगढ़ की 11 और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी बेहतर बहुमत से जीतने जा रही है। 4 जून बहुत दूर नहीं है, सच को छुपाया नहीं जा सकता, थोड़ी देर उसे ढाका जा सकता है, वो समय भी आपका समाप्त होने वाला है। मगर मैं एक बड़ा विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि देश के अच्छे लोकतंत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम रहेंगे नहीं रहेंगे परंतु इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के साथ है वो दोनों लोग जहां जहां है इस दुनिया में वहां लोकतंत्र नहीं है। आप याद रखिएगा कि जहां जहां दुनिया में मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है वहां लोकतंत्र नहीं है, और जहां जहां कम्युनिस्ट डोमिनेटेड स्टेट है वहां भी लोकतंत्र नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को सबसे पहले रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। हो सकता है कभी आपको लाभ कभी हमें हो जाए, परंतु क्या उसके लिए आप लोकतंत्र का मखौल उड़ाएंगे? क्या उसके लिए लोगों को मतदान करने के प्रति हतोत्साहित करेंगे? ये जो दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी को बहुत आत्मचिंतन की आवश्यकता है। और एक बात और कह रहे थे कि राधिका खेड़ा जी ने क्या कहा, केवल एक बहन नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जो आपकी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए, जो कोर कमेटी में हुआ करते थे, और सभी का आरोप एक ही है
अयोग्य नेतृत्व, उस अयोग्य नेतृत्व को बचाने के चक्कर में कांग्रेस स्वयं समाप्त हो गई, परंतु उस अयोग्य नेतृत्व का बचाव आज भी जारी है और यही देश की राजनीति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई राजनीतिक दल अपने एक नेता की अयोग्यता छुपाने के लिए इतनी कुर्बानियां दे सकता है कि उसका पूरा क्वार्टर समाप्त हो जाए। परंतु छद्म मुद्दे और एक और कहूं, जो अजय जी अभी कह रहे थे कि गारंटी में भरोसा है, याद करिए इस बार आप 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष का कह रहे हैं, 2019 में भी राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपए साल का कहा था, परंतु देश की जनता ने तब भी विश्वास नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी जी अपनी विश्वसनीयता जनता में खो चुके हैं। और राजनीति में सबसे पहली आवश्यकता होती है नेता की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी, और कांग्रेस पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। ये घोषणाएं कुछ भी करें मगर जनता जानती है कि ये जब सरकार में होते हैं तब किन के लिए काम करते हैं और सरकार में नहीं होते हैं तब किस तरह से वोट हथियाना चाहते हैं, जाति और धर्म में बांटकर वोट प्राप्त करने की कोशिश, परंतु जब सरकार में आएंगे तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। ये देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है और उसी आधार पर वो कांग्रेस को सबक सिखाने का काम कर। अजय साहू जी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वोट जिहाद या फिर राम राज्य। वोट जिहाद क्या है और राम राज्य क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। राम राज्य इस देश में दिख नहीं रहा है और वोट जिहाद क्या है ये प्रधानमंत्री जी ही बता पाएंगे। ये जो चीजें हैं ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। क्या प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के भाषणों में इस तरीके की शब्दावली का होना उचित है? क्या वो केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो जैनों के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या वो मुस्लिमों के प्रधानमंत्री नहीं है? तो इस तरीके से लोगों को बांट करके डिवाइड एंड रूल करने का काम एक बार इस देश में किसी ने किया था और अब ये फिर भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसका बहुत नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिए इस देश का कितना भी बड़ा नुकसान कर सकती है इसको इस देश की जनता ने देखा है। मेरे काबिल मित्र कह रहे थे अभी लोया जी 65 वर्षों से जिसने राज किया तो क्या आप ये मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार लौट रही हूँ लेकिन धार से पहले बता देते हैं। यहाँ पर पीएम मोदी की जनसभा थी जहां पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि धार की आम सभा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जो उत्साह है वो मोदी जी पर विश्वास का है। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। जगदीश देवड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री खरगोन आए, धार आए, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला लोगों के बीच में और प्रधानमंत्री जी ने आज कांग्रेस पे जमकर निशाना भी साधा। आज धार की आम सभा में अपार उत्साह था जनता में, कार्यकर्ताओं में, और अटूट विश्वास व्यक्त किया जनता ने मोदी जी के प्रति। और निश्चित रूप से आम सभा मुझे लगता है कि बहुत ही सफल रही। पलक पावड़े बिछा करके लोग तैयार थे आने के बाद, उन्होंने पूरा वातावरण मोदीमय हो गया। मोदी मोदी और मोदी जी की गारंटी उन्होंने दी है और निश्चित रूप से धार लोकसभा भी और हमारी रतलाम झाबुआ लोकसभा भी, जहाँ आज उनका दोनों जगह आम सभा हुई है, बहुत प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। और दो नहीं, पूरी 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तुष्टिकरण की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, कहे कि वो खेल खेल रहे हैं। सही बात है, कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी इनके आरक्षण को मुस्लिमों को देना चाहती है। उन्हें कहा, खुले रूप में कहा, तो ये वास्तव में क्या कर रही है कांग्रेस? और कांग्रेस आरक्षण की बात भी करती है।